जय जीवदानी। कमाना खाना से मैं काम ही नहीं करना, एक बार फिर हाजिर हूं एक स्पेशल चीज की जानकारी लेकर। आप जान गए हैं, मुझे पता है, जब जब आपको मैं किचन में नहीं देखती हूँ आप जान चुके होते हैं कि कामनी जी आज कोई जानकारी दे। मैं आप लोगों को इसलिए जानकारी देती रहती हूँ, देखिए जानकारियां तो बहुत उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, लेकिन मैं जो जानकारियां देती हूँ उसमें मेरे अनुभव भी शामिल होते हैं, मेरा पर्सनल अनुभव होता है, तभी मैं आपको जानकारी देती हूँ कई चीज़ों की। और मैं ज़बरदस्ती आपको कहीं से उठा के जानकारी दे दूँ ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो भुगत चुकी होती हूँ उसी के बारे में बताती हूँ। अब तिल गुल गया गोड़ गोड़ बोला, आमचा तेल सांडू नका आमच्याशी कधी भांडू नका। समझ गए आप मैं तिल की बात कर रही हूँ। सबसे पहले सबका स्वागत, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। बात करेंगे आज हम तिल की। अब तिल जो है मकर संक्रांति के दिन इनके बगैर रहा ही नहीं जाता। तिल जो है ये काले तिल मिलते हैं, सफेद तिल रॉ मिलते हैं, पॉलिश तिल मिलते हैं, और तिल एक बहुत ही उपयोगी चीज है आपके खाने पीने में। मैंने मारवाड़ियों को देखा है कई बार अपना खाना जैसे हींग जीरे का छौंका देते हैं ना, वैसे इतना सारा तिल भी खाने में डाल देते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे महाराष्ट्रीयन लोगों को जो तिल के लड्डू बनाते हैं, लेकिन सिर्फ मकर संक्रांति में। ऐसा क्यों करते हो? क्या आप आगे पीछे तिल के लड्डू नहीं बना सकते? मैं तो बनाती हूँ, जब जब मुझे महसूस होता है 1-2 महीने में मैं तिल के लड्डू बना लेती हूँ। तिल का लड्डू बनाना मैंने आपको सिखाया भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उससे देखिए तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। बड़ा ही आसान है, 15 मिनट के अंदर तिल के लड्डू बन जाते हैं। भले लड्डू बनाओ, भले उसको थाली में चप चप करके उसको काट लो, बढ़िया बना लो उसकी। अब यहाँ पर लोनावाला नजदीक है, यहाँ पर तिल की चक्कियां मिलती हैं, आपके पंजाब में तिल के लड्डू भी मिलते हैं का भुरभुरे से, और साथ में आपको चक्कियां भी मिलती हैं। तो बहुत सारे चीजों में तिल का प्रयोग होता है, लोग तिल पीस पीस के खाने को टेस्टी करने के लिए भी उसकी पेस्ट डालते हैं। अब ये तिल जो है ये हवन में भी पड़ता है, कोई हवन पूरा नहीं होता, खासकर माता के हवन में, दुर्गा माँ के हवन में तिल जरूर पड़ता है, वो भी काला तिल। और सफेद तिल जो पॉलिश तिल होता है वो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता जितना काला तिल फायदेमंद होता है। शक्ल इतनी अच्छी नहीं होती, उसके लड्डू बनाओगे तो काले काले लड्डू बनते हैं, लेकिन फिर भी वो लड्डू बहुत ही आपकी तबीयत के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए अब जानेंगे तिल किस किस तरह फायदा होता है। अब आप जानेंगे कि तिल का तेल भी बनाते हैं, तो तिल का जो तेल होता है उससे शरीर पे अगर मसाज करो, बॉडी पेन चला जाता है जनाब, आपका बॉडी पेन बिल्कुल चला, रोज मसाज कीजिए। आप कहेंगे मसाज वाले को बुलाने की जरूरत है? नहीं है, आते हैं ठीक है, कोविड में नहीं करना है तो मत करिए। आप अपने बॉडी पर खुद खूब तिल के तेल की मसाज कीजिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन जला दीजिए, और खूब मसाज करके आप फिर आधे घंटे बाद नहा लीजिए। आपका धीमे धीमे जो है, अगर आपको बॉडी पेन होता है तो वो बॉडी पेन चला जाएगा। ये तो बात हुई तिल की, तेल का तेल माता की पूजा में भी उसका दिया जलाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम, तिल का तेल थोड़ा सा हल्का मुंह पे भी लगा के देखिएगा, अगर आपको फर्क पड़ता है त्वचा में तो उसके लिए भी अच्छा होता है, लेकिन प्योर नहीं मिलता ना आजकल सब जगह, इसलिए मुझे थोड़ा शक है कि तिल का तेल मुंह पे लगाना चाहिए कि नहीं। अगर आपको घानी का तेल मिले, कोई प्योर तेल मिले, तभी ऐसा कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। अब मानसिक दुर्बलता को कम करता है तिल, जो तिल खाने में डालते हैं ना हम, जो लड्डू खाते हैं, ये आपकी मानसिक कितनी बड़ी बात है। आपको अगर मेंटली तकलीफ हो तो ये तिल का जो गर्म होता है तिल तासीर में, जो सर्दियों में खाया जाता है, ये मेंटल इलनेसेस को ठीक करता है। तो थोड़ा बहुत खाने में एक लड्डू बाद में खा लेना तिल का, जिनको डायबिटीज ना हो स्पेसिफिकली अपने डॉक्टर से पूछो कि मैं मीठा खाऊं, नहीं तो भाजी में छौंक लगाओ, नहीं तो पेस्ट डालो। अब ये तिल जो है बालों के लिए वरदान है ऐसा कहते हैं, बालों में तिल का तेल लगाओ आप या थोड़ा सा पेस्ट लगाओ, ये भी आपको टेस्ट करके देखना कि आपको कितना फायदा है। पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाता है इसका फायदा, इसलिए बालों का असमय पकना और झड़ना बंद होता है तिल के तेल से। अब आपको ये ट्राई करके देखना पड़ेगा। अब ये दूसरी बात बता दूं कि कूट कर खाने से इसकी कब्ज की समस्या दूर हो जाती, पेट साफ हो जाता है, ये तो मैंने इतना अनुभव किया है। एक बार तिल का लड्डू या चक्की कुछ भी खा लो और थोड़ी सी ज्यादा खा लो,
थोड़ी सी ज्यादा, मतलब एक की जगह अगर दो चक्की खाली तो आपका पेट साफ हो जाएगा और इससे पुरानी बवासीर में फायदा होता है। बवासीर पेट साफ नहीं होती, कब्ज होती है तभी होती है, और तिल खाने से फायदा होता है। प्रोवाइडेडली हर चीज को डॉक्टर से पूछ लीजिए, बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूं। अब शरीर के किसी अंग में जल जाने पर कहते हैं कि ये तिल लगाने से आराम मिलता है। अब ये वेरी डाइसी है बात, मुझे पचती नहीं है ये बात, लोग कहते हैं। बात ऐसी है कि तिल जो है ये सूखी खांसी होने पर भी इसकी तासीर गर्म होती है। अगर खाने में आपने डाला तो कोई भी किसी भी प्रकार की जो सूखी खांसी होती है उसमें आराम मिलता है। अब मैं बात करूं कि तिल दांतों के लिए बहुत फायदेमंद, कैल्शियम है इसमें, भरपूर कैल्शियम है। मैं पीछे मुझे दर्द हो रही थी हड्डियों की, तो मुझे किसी ने कहा कि खाने में, डॉक्टर ने कहा मुझे कि खाने में थोड़ा तिल डाला करें तो जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। खासकर जो थोड़ा सा उम्र के बाद इंसान को कैल्शियम कम हो जाता है नेचुरली, तो उसमें खाने में तिल अगर डालें, या आपको डायबिटीज नहीं है तो रोज एक लड्डू खाएं तिल का, पेस्ट खाएं तिल की, तो खाने में ये प्रयोग तरह तरह से करें तो आपके शरीर का जो दर्द है और जो आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है वो ठीक हो जाती है। कहते हैं कि मुंह में छाले होने पर तिल खाना, जो जिन लोगों को आदत है उनको कम छाले होते हैं। अब ये भी मैंने ट्राई करके नहीं देखा है, इसलिए करके देखिएगा कि अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो क्या तिल रेगुलर खाने से उसके छाले जाते हैं। अब तिल के मैंने इतने सारे फायदे आपको बताए, अब एक आपको मैं बात बता दूं, ये काले तिल जो होते हैं ना, ये काले तिल अपने आप में बहुत सारे गुण लिए होते हैं। एक तो उसको पॉलिश नहीं किया होता, जो सफेद तिल होता है ना उसको पीस के ऊपर से पॉलिश निकाल के, कालापन उसका छिलका निकाल के उसको परोस देते हैं और फिर वो उसकी जो पूरी जो जान होती है ना वो निकल जाती है। इसलिए स्पेसिफिकली जब आप तबीयत ठीक करने के लिए तिल खाना है ना आपको, तो आप काले तिल खाइए, उससे आपके शरीर में जान आएगी, कैल्शियम भरपूर होगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके किचन में आप खाते भी हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कितनी मात्रा में और क्यों खाना है, जिससे आपको पूरा फायदा मिले। मैं कमाना खाना से काम ही नहीं करना, आपके कमेंट्स के इंतजार में रहती हूँ कि आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा काले तिल का प्रयोग, और अपने खाने में डालिए। सिर्फ कमाना खाना नहीं है, खाना तरीके से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।